सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं। टॉपिक कवर करूंगा टेस्टास्टेरोन। यस, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री में या ये कहो कि जनरल लाइफ में भी टेस्टास्टेरोन वर्ड बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। आपके अराउंड में भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बोलते होंगे कि मैं बताता हूं आपको कि आप अपना टेस्टास्टेरोन कैसे बूस्ट कर सकते हो। बट एक प्रॉब्लम जो मैंने पाई है कि आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स थोड़ी सी फिजीक बनाने के चक्कर में आर्टिफिशियल टेस्टास्टेरोन इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में, जो कि बिल्कुल भी मजाक नहीं है, जिसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं इन अ लॉन्गर रन। क्योंकि जब भी आप आर्टिफिशियल टेस्टास्टेरोन इंजेक्ट करते हो, आपकी बॉडी नेचुरल टेस्टास्टेरोन बनाना बंद कर देती है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो सकते हो। इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि आप नेचुरली अपना टेस्टास्टेरोन कैसे बूस्ट कर सकते हो। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि टेस्टास्टेरोन एक मेल हार्मोन है, और जब हमारी उम्र 40 से ज्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने शुरू हो जाते हैं। पर बहुत सारे केसेस में यह पाया गया है कि आजकल यंगस्टर्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, स्ट्रेस एंड पुअर ईटिंग हैबिट्स। इन सब रीजंस की वजह से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकते हैं और आपकी बॉडी आपको कई तरह के इफेक्ट दिखा सकती है, जैसे कि गायनेकोमिस्ट्रिया, वीक सेक्सुअल पावर, मसल ग्रोथ ना होना, मूड स्विंग्स, पुअर बोन हेल्थ, और यहां तक कि आपको हेयर लॉस भी हो सकता है। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है भी या नहीं, तो आप अपनी डॉक्टर की सलाह से टेस्ट करा सकते हो, जैसे कि फ्री टेस्टोस्टेरोन एंड टोटल टेस्टोस्टेरोन, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन रेंज कितना है। अब मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे तरीके जिससे आप अपना टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है अश्वगंधा एंड शिलाजीत। यस, अगर आप अपनी डाइट के साथ कोई सप्लीमेंट ऐड करने की सोच रहे हो तो आपको इन दो नेचुरल हर्ब्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि पहला, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, दूसरा, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और रात को सोने से पहले आप इसको दूध के साथ ले सकते हैं। बट मेरी सलाह यही है कि जब भी आप इसको मार्केट से बाय करते हो, उसके पीछे रिकमेंडेड डोज लिखी गई होती है, तो ज़्यादा मात्रा में ना ले। और इसके सेवन से आपको जरूर लाभ होगा, पर थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, यानी थोड़े दिन यूज करने के बाद आपको इसका रिजल्ट आना शुरू होगा। सेकंड तरीका जो मैं आप सभी लोगों को एडवाइस करना चाहूंगा वो है कि आप किसी भी तरीके का वर्कआउट जरूर करें। बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको अगर आप वेट ट्रेनिंग मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, तो हफ्ते में 4 दिन 45 मिनट से लेके 1 आवर का अच्छा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन करें। और ये ध्यान रखें कि कंपाउंड मूवमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब स्क्वाट, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस, ये कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जिनको करने से आपकी बॉडी में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। तो मतलब अच्छा वर्कआउट करने से आपकी बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती है। तीसरा तरीका है कि आप अपनी डाइट में कुछ फूड आइटम्स को जरूर इंक्लूड करें, जिसकी वजह से आपके फूड की ओवरऑल न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगी और आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बीन्स, लेंटल्स, नट्स, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, फैटी फिश, गुड फैट, एग्स, चिकन, जिंजर एंड गार्लिक। एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आप सभी लोगों को एडवाइस करना चाहता हूं कि अगर आप दिन में एक बार एक अनार को कर्ड में मिक्स करके खाते हो तो उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। अब क्या ना खाएं, तो प्रोसेस फूड यानी पैक्ड फूड से दूर रहें, अपनी डाइट में शुगर एंड सॉल्ट का इंटेक कम करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना चाहते हो तो शराब और सिगरेट से दूर रहो।
चौथा तरीका है कि अपने बॉडी फैट परसेंटेज को एक रेंज में रखें जो कि है 8 से 16%। यानी यह पाया गया है कि जो लोग मोटे होते हैं या जिनका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है उस कंडीशन में उनका एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने लगता है, और जब आपका एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ेगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा। तो यानी जो लोग मोटे हैं जिनका वजन ज्यादा है वो किसी भी तरीके से उस वजन को यानी बॉडी फैट परसेंटेज को घटाने की कोशिश करें, इससे आप बहुत सारी और बीमारियों से भी बचे रहोगे। पांचवा तरीका है कि आप कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन डी। अब मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कोई भी एक अच्छा मल्टीविटामिन एक सर्विंग ब्रेकफास्ट में खाना शुरू कर दें, पर सबसे ज्यादा जरूरी है विटामिन डी, जिसका बेस्ट सोर्स है सनलाइट। तो सभी लोग 10 से 15 मिनट सुबह धूप में जरूर बैठें। अब इन सभी विटामिन एंड मिनरल्स को लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आपकी बॉडी में इन सभी की कमी होगी उससे आपका कॉर्टिसोल लेवल यानी जो कि है एक स्ट्रेस हार्मोन वो बढ़ जाएगा, और जब आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। तो आपका इन्हीं सभी विटामिन मिनरल्स का पर्याप्त मात्रा में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा और आपको काफी हेल्प होगी। छठा तरीका है कि आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ हेल्दी चेंजेस जरूर करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है गुड स्लीप। यानी आपका 7 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है, क्वालिटी का आपको ध्यान रखना है। तो यानी रात को 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे का जो समय होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है सोने के लिए। सोने से 1 घंटा पहले आप ब्लू लाइट से दूर रहें, यानी टीवी मोबाइल को अपने से दूर रखें, और सोते समय लूज क्लोथ्स पहनें। एक और बात, आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस को थोड़ा कम करें, जिसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो या कोई भी एक अपनी हॉबी जिससे आपको खुशी मिलती है वो 30 मिनट के लिए जरूर करें। एक एडवाइस मैं आप सभी लोगों को और देना चाहूंगा कि अपनी बॉडी को जितना कूल रख सकते हो वो रखें, जिसके लिए आप कोल्ड शार की हेल्प ले सकते हो। तो ये सभी लाइफस्टाइल चेंजेस करने से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने में आपको काफी हेल्प होगी। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और एक बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस टेस्टोस्टेरोन वर्ड को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। वीडियो में जो बातें आपको बताई गई हैं उनको फॉलो करो तो आपको काफी हेल्प होगी और आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे। और इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस मैं बनाता रहूंगा, बट आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।